सो हे गाइज व्हाट्स एवरीबॉडी इट्स बॉय अफ्रीदि स्टार्क बैक टू द गेम विद न्यू वीडियो बेबी। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने परचेस किया है अपना एक पर्सनल लैपटॉप यहाँ पे। तो मैंने इसको अभी जस्ट अभी मैंने इसको डिलीवरी ले ली है और ये मेरे पास आ चुका है अभी। और जैसे ही आया तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी ब्लॉग की वीडियो बना दी जाए और मैं ऐसे छत पर आ गया अपने, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं ओपन करने वाला हूँ और यहाँ पे सब कुछ दिखाने वाला हूँ, कुछ बताऊँगा नहीं मैं क्योंकि यहाँ पे बस ऐसे ब्लॉग का चैनल है तो मैं कुछ बता नहीं सकता यहाँ पे। तो मैंने ऐसे रैंडमली ब्लॉग सोचा कि बना दिया जाए, काफ़ी दिन हो गया मेरा इस चैनल पे बस एक ही ब्लॉग पड़ा था, ये दूसरा मेरा है। तो इसी वजह से मैंने ये दूसरा मैंने सोचा कि लेकर आ जाऊँ। ट्राइपॉड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे रखा हुआ है और ये पीछे देखिए। तो अभी चलिए इसको मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी जो अगर इसके टेक्निकल टर्म्स हैं जो भी इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू रहेगा वो मैं अपने दूसरे वाले चैनल यानी द इंडियन स्टॉक वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसने नहीं देखा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके वहाँ पर देख सकते हो, वो टेक का चैनल है। और ये जो है ये मैं इस पर सब कुछ अपलोड करते रहता हूँ, बियॉन्ड जिम वर्कआउट जिम सब कुछ मतलब ए टू जेड, ये ब्लॉग का चैनल है तो यहाँ आपको सब कुछ मिलते रहेगा, ऐसे रैंडमली अनबॉक्सिंग भी मिलती रहेगी। तो आइए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं क्योंकि भाई मैं HP का यूज़ करता हूँ, मेरे पास में कोर i3 था और यहाँ पे ये वाला जो लैपटॉप है ये है कोर i5 11 जनरेशन का और वो वाला मेरा काफ़ी पुराना था, मैंने 2016 में इसको परचेस किया था और काफ़ी ज़्यादा हैंग भी कर रहा था। देखते हैं ये कैसा है, मतलब कि इसमें 512 GB का SSD दिया है और उस वाले लैपटॉप में मेरे क्या था 1 TB हार्ड डिस्क दिया था। आप लोगों को पता है हार्ड डिस्क काफ़ी स्लो होती है SSD के कंपेरिजन में, क्योंकि SSD जो काफ़ी फास्ट होती है, लैपटॉप को हम ऑन करते हैं तो लगभग वो 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में ऑन हो जाता है SSD का अगर रहता है, और वहीं पर अगर हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव का अगर ऑन करते हैं लैपटॉप तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लगभग 1 मिनट ले लेता है ऑन होने में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी वजह से मैंने इसको परचेस किया है। और तो मतलब कि 8 GB का रैम है। तो आइए जल्दी से इसको पहले रैंडमली ओपन कर लेते हैं और आप भी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस ये है बॉक्स, आप लोग देख सकते हो। अब मैं इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्या पता गिर जाए भाई, तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो भाई थोड़ा सा आप लोग ये देखिए, यहाँ पे ये बॉक्स है, बॉक्स को मैंने पहले ही चेक कर लिया है ओपन करके। तो अभी ये देखिए लैपटॉप, यहाँ पे देखिए ये बड़ा सा HP लिखा हुआ है और ये, और इसके अंदर ये लैपटॉप है। ऊपर की साइड में यहाँ पे देखिए इनसाइड आप लोग देख सकते हो, यहाँ इनसाइड इंटेल यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। और ये फ़्लिपकार्ट की तरफ से मैंने मंगाया है। प्राइस मैं यहाँ पे कुछ डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि भाई ये ब्लॉग का चैनल है और जो भी टेक्निकल वाले टर्म्स हैं मैं अपने टेक्निकल वाले चैनल पे इसको रिव्यू कर दूँगा यूज करने के बाद में। तो अभी देखते हैं, भाई ये है देखिए लैपटॉप और काफ़ी मतलब कि ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग थिकनेस भी देख ही सकते हो कितना है यहाँ पे। और ये देखिए फ्रंट वाला थिकनेस और ये साइड में और यहाँ पे बैक। अब इसको थोड़ा सा ओपन हम लोग करते हैं। तो भाई सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, यहाँ कोई है ही नहीं। तो भाई ये रहा पूरा कंप्लीट लैपटॉप और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, कुछ भी अगर गड़बड़ी होती या कुछ भी वारंटी से रिलेटेड तो यहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हो। ये सब अभी इन्होंने किया है और ये देखिए यहाँ पे दिया है कोर i5, ये ग्राफिक्स दिया है इरीज का और ये बटन्स दिए गए हैं। और ये देखिए स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी इसकी दिख रही है, वेजल्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम दिए गए हैं। इसको ऑन करेंगे अभी अंदर ले जाकर। फ़िलहाल ये था कुछ मतलब कि यही पूरा कंप्लीट सेट।
लैपटॉप। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक केबल दिया गया है, चार्जिंग केबल, ये देख सकते हैं। और ये साथ ही साथ में लैपटॉप का एडाप्टर है। तो इन सब चीज़ों को मैं ओपन करूँगा अपने जो मैं टेक्निकल वाली वीडियो डालूँगा उस पर। तो अभी ये फ़िलहाल यहाँ पे आप लोग रैंडमली देख लीजिए, ये लैपटॉप रहा और ये चार्जर। बाकी एसेसरीज़ भी वहाँ पे थी, मतलब कि दिखा रहा था बैग और कीबोर्ड माउस वगैरह, तो उन सब का भी चार्ज ले रहा था। तो मेरे पास ये सब पहले से ही है, तो मैंने ऑर्डर नहीं किया वो सब। बाकी मैंने लैपटॉप को ही सिर्फ ऑर्डर कर दिया, काफ़ी लाइट वेट भी है। और अब देखते हैं इसी में एडिटिंग मैं करने वाला हूँ। तो आप लोग को कैसा लग रहा है ये लैपटॉप, किसने ख़रीदा है, मतलब कि कितने लोगों ने इसको पहले से परचेस कर लिया, वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी रिव्यू का मैं जो कंप्लीट इसका रिव्यू रहेगा मैं उसको अपने द इंडियन स्टॉक वाले चैनल पर डाल दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है उस चैनल का। और देखते हैं अब आइए फ्रंट में। सो गाइस ये नीचे पड़ा हुआ है लैपटॉप, आप लोग यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने इसको खोल दिया है। अभी मैं कंप्लीट वीडियो इसकी अच्छे से बनाऊंगा जब मैं इसको यूज़ करूंगा कि कैसा है, क्या मतलब कि अच्छा है या क्या है, मतलब कि यूज़ करने के बाद मैं इसका जो अभी रिव्यू वाला वीडियो मैं बनाऊंगा और अपने द इंडियन स्टॉक वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल ये था ब्लॉग का चैनल, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे रैंडमली वीडियो बना दिए जाए। तो आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग, छोटा सा था, मतलब कि ज़्यादा कुछ था ही नहीं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर कुछ मतलब किया नहीं, छत पर सीधा आ गया और यहाँ पर मतलब शुरू करने लगा था। तो आप लोग को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भी ऐसी वीडियोस मैं लेके आते रहूँगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बस यही था, यहाँ पे देखिए मैं छत पे हूँ, ये कुछ ऐसा मतलब कि सीन यहाँ पे है, मैं बैठ के शूट कर रहा हूँ क्योंकि भाई अंदर शूट नहीं कर सकते ना। तो बस मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। और ये रही खटिया, और यहाँ क्या लगा मिलते हैं।